नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज यार 6 नवंबर है और कल थी 5 नवंबर। यार देखिए, दिवाली के एक दिन बाद सूर्यवंशी फिल्म रिलीज हुई थी और आपको पता है कि सूर्यवंशी फिल्म के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ था, पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और लोग सोच रहे थे कि कब रिलीज़ होगी, लेकिन फाइनली 5 नवंबर यानी कल फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी रिलीज़ कर दिया गया है कि जो कलेक्शन है वो हुआ है तकरीबन 28 से 30 करोड़ का। तो देखो, आप समझ सकते हैं इसी कलेक्शन से कि कितना ज़्यादा क्रेज़ है लोगों के मन में इस फिल्म को देखने के लिए। ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट मास धमाका फिल्म है। लोग ये कह रहे हैं इस फिल्म को 3 से 4 स्टार्स 5 में से मिल ही रहे हैं हर क्रिटिक के थ्रू। अब बात यह है, ये फिल्म आने वाले समय में कितना कमाती है ये देखना है। फिल्म का बजट तकरीबन 150 से 200 करोड़ के बीच है, तो लेट्स सी आने वाले 1.5 हफ्ते में मुझे लगता है ये अपना जो पूरा बजट है वो कवर कर लेगी, रिकवर कर लेगी, ये अच्छी बात है। और टिपिकली जैसे यहाँ पे जो रोहित शेट्टी है वैसी फिल्म है ये। साथ ही साथ में यार, मैं आपसे एक चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगी, वैसे फिल्म मैंने नहीं देखी लेकिन बिना फिल्म देखे एक ओपिनियन मैं आपको देना चाहूँगा कि देखो, जितने भी गाने हैं, चाहे वो आयला रे आयला, चाहे नाजा, और अभी रिसेंटली अभी रिलीज़ होने वाला है आज सुबह 11 बजे टिप टिप बरसा पानी, ये वाला गाना, तो देखो यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि आप एक नया गाना बना सकते थे, थोड़ा नया एक फ्रेश कंटेंट दे सकते थे गाने के मामले में, लेकिन आपने पुराने 1980s 1990s 2000s अर्ली 2000s के गानों को ही रिमिक्स करके बनाने का सोचा, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने बचत करी है, पैसे की बचत करी है, सिंगर्स की बचत करी है, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ गानों में इफेक्ट डालकर अपनी फिल्म में आपने पेश किया, जो जो चीज़ मुझे नेगेटिव लगती है। लेकिन वैसे मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, रोहित शेट्टी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मुझे मसाला धमाका मास एंटरटेनमेंट फिल्म अच्छी लगती है, खासकर रोहित शेट्टी जब फिल्म डायरेक्ट करते हैं। तो फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक टीज़र मैंने देखा था टिप टिप बरसा पानी इस गाने का, जो सूर्यवंशी का ही गाना है, आज सुबह 11 बजे गाना रिलीज़ होगा। तो यार एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव लगी, यार कोई नया गाना बनाते यार, वो पुराने गानों को ही रिक्रिएट करके फिर से दिखाना मुझे थोड़ा सा ठीक ना लगा, लेकिन लेट्स सी, गाना अच्छा हो सकता है। आखिर यार जो एक मैजिक है जो अक्षय कुमार की स्माइल में है और जो यहाँ पे कैटरीना कैफ के स्वैग में है, वो चीज़ मुझे लगता है फिर से देखने को मिलेगी। और ये गाना शायद इस पर्टिकुलर कपल पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपने ये छोटा सा टीज़र देखा तो बताइएगा ज़रूर आपका क्या कहना है, और अगर आपने मूवी देख ली सूर्यवंशी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर।